नमस्कार, न्यूज 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं शेफाली। खबरों के विस्तार से पहले आइए संक्षेप पर डालते हैं एक नजर। नगर में एक मोबाइल की दुकान पर इन्वर्टर की बैटरी फट जाने के कारण दुकान मालिक गंभीर रूप से घायल हो गए। नगर के फवारा चौक पर आंचल जैन की अलका मोबाइल गैलरी के नाम से दुकान है। बताया जाता है कि वह अपने सहयोगी सोनू के साथ दुकान पर बैठा काम कर रहा था, तभी अचानक दुकान में रखे इन्वर्टर की बैटरी जोरदार धमाके के साथ फट गई, जिससे वहां काम कर रहे आंचल जैन गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तुरंत एक चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका उपचार चल रहा है। सुबह पूजा कर रहा था ना, बस वो बैठ रहा है, अचानक पटक गया और उसकी प्लास्टिक उड़ गए, माथे पे लग गए। नहीं, और तो कोई नुकसान नहीं है, बस चार टाके जरूर आए सिर में। सेंट आरसी कॉन्वेंट स्कूल में दीपावली के अवसर पर आयोजित रंगोली प्रतियोगिता में दीपावली उत्सव का आयोजन। सेंट आरसी कॉन्वेंट स्कूल में दीपावली के अवसर पर आयोजित रंगोली प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन कुंज बिहारी अग्रवाल ने कहा कि भगवान गणेश, माँ सरस्वती तथा माँ लक्ष्मी की कल्पनाएं बच्चों को सुसंस्कारित सचित्र विकास को चरितार्थ कर रही है। रंगोली प्रतियोगिता में शिवानी, निशु, अनामिका, आंचल, निधि, श्रुति, आयुषी, वैशाली, अदिति, प्राची, राशि, साक्षी, महक, शालिनी, मानसी, कनिका, कीर्ति आदि ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर स्कूल के चेयरमैन अरविंद संगल, प्रधानाचार्य डॉक्टर नीलेश वशिष्ठ, अरविंद शर्मा, नरेश पंत, विशाल तायल, नवीन जैन, कुश चौधरी, पूजा मलिक, अनिमेश संगल, अंजु मलिक, पूनम शर्मा, सुबोध राणा, निशा शर्मा आदि भी मौजूद थे। I am Akanksha Agarwal of class 12C and we all have made the rangoli for it Diwali and it is a colorful as we know that the Diwali is coming and so in its respect we made the rangoli. रंगोली हमारी दिवालों की पहचान होती है, सभी घरों में रंगोलियाँ बनाई जाती है। रंगोली हमारी सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार में बनाई जाती है। रंगोली से घर सजाए जाते हैं। आज हमारे स्कूल में कंपटीशन है, डिफरेंट टाइप ऑफ रंगोली बनाई गई है, अलग अलग कलर की रंगोलियाँ बनाई गई हैं, जिससे हमारे स्कूल की बहुत ज़्यादा शोभा बढ़ रही है और सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। इसी कॉन्वेंट स्कूल में दीपावली उत्सव मनाया जा रहा है। प्रत्येक क्लास में आज सेलिब्रेशन हो रहा है। किसी क्लास में ग्रीटिंग कार्ड्स, दीपावली ग्रीटिंग कार्ड्स मेकिंग, और किसी क्लास में दीप सज्जा, किसी में कैंडल डेकोरेशन, और जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे स्कूल में रंगोली सब मनाया जा रहा है। इसमें पूरा स्कूल ही 2500 की करीब स्ट्रेंथ है बच्चों की, और 1500 बच्चे कम से कम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और जैसे कि सीसी पैटर्न चल रहा है आजकल, जिसमें सीबीएसई का सीसी पैटर्न है, उसमें बच्चों को मार्क्स भी दिए जाते हैं, तो हम लोग बच्चों को अवार्डेड करने के साथ साथ बच्चों को उसके मार्क्स भी देंगे। रंगोली कॉम्पिटिशन और हैंडीक्राफ्ट और आर्ट एंड क्राफ्ट में आता है ये सीसी के अंतर्गत, सब बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और सारे सभी बच्चों के लिए मेरी ये शुभकामनाएं है, स्कूल के प्रत्येक टीचर के लिए, प्रत्येक बच्चों के लिए, कि ईश्वर उनके दिवाली के अवसर पर उनके घर में बहुत सारी खुशियां लेके आए, माँ लक्ष्मी उनके घर में वास करें। और न्यूज 7 में हो चला है वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा नहीं, देखते रहिए न्यूज 7। नव सर्जित जिला प्रबुद्ध नगर बनने पर सभी अक्षेत्रवासी, ग्रामवासी व जिलावासी को दीपावली हार्दिक बधाई। अफसर भूरा प्रधान, और हमारी तरफ से सभी अक्षेत्रवासियों की तरफ से जो दीपावली त्यौहार है, बहुत अच्छा त्यौहार है और खुशी का त्यौहार है। हमारी तरफ से सभी अक्षेत्रवासियों को हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक बहुत बहुत बधाई। मैं श्री मास्टर श्रीपाल सिंह, भारतीय जनता पार्टी में जिला मंत्री का दायित्व संभालते हुए समस्त जनपद वासियों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रबुद्ध नगर वासियों को, हमारा नवा सर्जित जनपद है,
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी प्रशासनिक अधिकारियों को भी मैं इस अवसर पर अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अपना संदेश मैं इन शब्दों के साथ समाप्त करना चाहता हूं। दिए जलाने से नहीं हटेगा अंधेरा, दिए जलाने से नहीं हटेगा अंधेरा, धरा को उठाना होगा गगन को झुकाना होगा, धरा को उठाना होगा गगन को झुकाना होगा। तम तो यूं का तो है, दिवाली आई है दिवाली गई है, तम तो ज्यों का तो है, ये भ्रष्टाचार के रूप में मैं कहना चाहूँगा, ये भ्रष्टाचार रूपी तम ज्यों का तो है, दिवाली आई है गई है। हमें निशा को जगाना सुलाना होगा उषा को जगाना होगा, निशा को सुलाना होगा उषा को जगाना होगा। साथियों, इस भ्रष्टाचार रूपी तम को बिल्कुल मिटाने के लिए हमें साफ सुथरे स्वच्छ समाज के निर्माण करना होगा। और दीपावली पर मैं सभी से एक और अनुरोध करूँगा कि इस दीपावली को पटाखा रहित दीपावली मनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारतीय जनता पार्टी। सर्वोदय आश्रम कुड़ाना रोड शामली की ओर से आप सभी नगरवासियों को, अक्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी की इच्छा पूर्ण हो, और सभी अभिभावकों से मैं प्रार्थना करता हूं कि दीपावली पर जो भी पटाखे छोड़े जाएँ वो बच्चों को अपने साथ लेकर छोड़ जाएँ, ताकि कोई अप्रिय कोई दुर्घटना न घटे। दीपावली के शुभ अवसर पर स्वादिष्ट एवं स्वच्छ मिठाई के लिए पधारे शास्त्री स्वीट्स बड़ा बाजार श्यामली। शास्त्री स्वीट्स शॉप आप सभी नगरवासियों को इस दीपावली पर्व पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता है। दीपावली की आप सभी लोग नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बीएसएम परिवार की ओर से नवसृजित प्रबुद्ध नगर जिले के सभी नागरिकों को दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन को, जिन्होंने इस दिवाली पर एक नए जिले का सृजन करके लोगों का मान बढ़ाया, उनको सम्मान दिया। मैं विशेष रूप से समाज के उन वंचित और असहाय लोगों के साथ अपने आप को जोड़ता हूं और ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी दिवाली बड़ी सुखमय और मंगलमय हो। और विशेष रूप से बच्चों के लिए एक संदेश, जो पटाखे चलाते हैं पूरे सुरक्षा मानकों और अपने परिवार के बड़े साथियों के साथ वो इस पटाखे चलाएं, और जिस तरह से फुलझड़ियाँ वातावरण में फैलकर अपना प्रकाश छोड़ती हैं, उसी तरह से अपने जीवन को प्रकाशमय करते हुए इस भारत भूमि को प्रकाशित करें। धन्यवाद। सर्वोदय आश्रम कुडाना रोड शामली की ओर से आप सभी को, नगरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। सभी नगरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली भगवान राम के विजय उपलक्ष में मनाई जाती है, दीपों का त्यौहार है। आप सभी अपने घर में ही नहीं, मन में भी खुशियों के दीपक जलाकर अपने परिवार में मां लक्ष्मी का आगमन सुनिश्चित करें। रिद्धि सिद्धि हमेशा आपके परिवार में बने रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बच्चों को पटाखों से दूर रखें, और यदि वो पटाखे चलाना भी चाहें तो साथ में आप भी खड़े रहें, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। दीपावली की पुनः शुभकामनाएं। नवसृजित जनपद प्रबुद्ध नगर के सभी सम्मानित जनपद वासियों को दीपावली के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मैं सभी सम्मानित जनपद वासियों को, इष्ट मित्रों, सम्मानित बुद्धिजीवी पत्रकार बंधुओं, सम्मानित प्रशासन को ये भरोसा दिला देना चाहता हूँ कि हम मावा व्यापार से जुड़े समस्त व्यापारी शुद्धता एवं स्वच्छता के सिद्धांत को अपनाते हुए आज के भ्रमित माहौल में आम जनता का विश्वास जीतने का एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं। हम जिला प्रशासन का विशेष रूप में धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हम मावा व्यापारी एवं मिठाई विक्रेताओं की एक मीटिंग तहसील प्रांगण में बुलाकर हमें उचित दिशा निर्देश दिए एवं एक सार्थक प्रयास किया। मैं अपने समस्त जनपदवासियों को, अपने जनपदवासियों से अनुरोध करता हूं कि आप मावे से बनी समस्त मिठाई बेझिझक खाएँ, अपने दोस्तों को उपहार दें, मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा प्रचारित भ्रमित प्रचार से बचें, स्वदेशी अपनाएं और दीपावली का त्यौहार मिलजुल कर मनाएं। आपको फिर से हार्दिक बधाई, धन्यवाद। प्रदेश का HP ऑथराइज्ड श्री महावीर बिजनेस मशीन का भव्य शोरूम
एचपी की हर रेंज उपलब्ध एवं कंप्यूटर हार्डवेयर व सर्विस सेंटर नेट आइडिया सेंटर के ऑथराइज्ड जैन कंप्यूटर होम फर्स्ट फ्लोर कैराना रोड शामली सेल काउंटर नंबर 9412127369837017736 9837017736 सर्विस के लिए संपर्क करें 9837017421। ब्रेक के बाद न्यूज 7 में आपका स्वागत है। धनतेरस के दिन बाजार में बर्तनों पर जबरदस्त उछाल रहा, उन लोगों ने महंगाई की परवाह न करते हुए बर्तनों की खरीदारी की। कार्तिक मास की त्रयोदशी को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन धन के देवता कुबेर व मृत्यु के देवता यमराज का पूजन किया जाता है। इस दिन नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भी रूप में चांदी या अन्य धातु को खरीदना भी शुभ माना जाता है। कृष्ण कुंज जूनियर हाई स्कूल कृष्णानगर में प्रकाश त्योहार दीपावली के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित रंगोली ग्रीटिंग कार्ड तथा सजावट प्रतियोगिताओं में स्कूल के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कृष्ण कुंज जूनियर हाई स्कूल कृष्णानगर में प्रकाश के त्योहार दीपावली के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रतियोगिता में रंगोली ग्रीटिंग कार्ड तथा सजावट प्रतियोगिता में स्कूल के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रंगोली प्रतियोगिता में गुलफजा अलीजा नुसरत ने प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया, जबकि ग्रीटिंग प्रतियोगिता में ज्योति प्रथम, गुलफजा द्वितीय तथा सरिता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सांत्वना पुरस्कार संगीता को दिया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य नीरज शर्मा, राहुल कुमार, कल्पना शर्मा, पूनम रानी, मिथिलेश शर्मा, गीता रानी आदि मौजूद रहे। न्यूज 7 में हो चला है वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा नहीं, देखते रहिए न्यूज 7। नगरवासियों, क्षेत्रवासियों, जनपद वासियों को दीपावली के पावन पर्व पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। समस्त नगर वासियों एवं नवसर्जित जनपद प्रबुद्ध नगर वासियों को मैं देवराज सिंह मलिक, मैसर्स भारत मेडिकल स्टोर, अपनी ओर से दीपावली के सुंदर पर्व पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ साथ प्रबुद्ध नगर एवं शामली के सभी नागरिकों से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे सुंदर पर्व पर कोई अप्रिय घटना से बचने हेतु हमें अपने बच्चों के, जिससे पटाखों के द्वारा समाज में किसी व्यक्ति विशेष की सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, मानसिक हानि हो, और हमारे ऐसे त्यौहार पर कोई घिनौना कृत्य न हो पावे। व्यापारी भाइयों को, देशवासियों को, देहातवासियों को सबको शुभकामना, दिवाली सबका मंगल में हो। नवगठित प्रबुद्ध नगर के सभी जनपद वासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित। दीपावली के शुभ अवसर पर मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इस अवसर पर भगवान सभी को इस रोशनी भरे त्यौहार में रोशनी से परिपूर्ण कर दे, हमारे जनपद की गरीबी को हटाए, यहां का विकास हो। हम यहां के जिलाधिकारी और उनकी टीम से भी ये आशा करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र इस जनपद को उसकी ऊंचाइयों पर पहुंचाए, जिससे कि हमारे जनपद वासियों को इससे राहत मिले, और विशेष रूप से जो सड़कों के हालात इस जनपद में ख़राब हुए हुए हैं उनसे लोगों को राहत मिले, क्योंकि मैं समझता हूं कि सड़क पर चलते हुए सभी लोग इस डिपार्टमेंट को निश्चित रूप से अपनी बददुआएं देते हुए जाते हैं। तो मैं ये आशा करता हूँ कि शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ की कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो, और जो चेन स्नैचिंग के यहाँ पर लगातार केस और अपराध के केस हो रहे हैं उनसे हमारे जनपद को हमारे सभी जिलाधिकारी के नेतृत्व में वो उनसे मुक्ति दिलाएंगे, मुझे ऐसी आशा है। पुनः दीपावली के शुभ अवसर पर अपने जनपद वासियों को मेरी हार्दिक शुभ। हमारे प्रबुद्ध नगर की रीति रही है कि यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा वो जो है और सुदृढ़ बने। दूसरा, दिवाली के अवसर पर क्योंकि 25, 26, 27, 28 की छुट्टी है, 29 तारीख हम वोट बनाने का अभियान हमने शुरू कर रखा है। आज उसी विषय में मैं यहाँ टाउन एरिया बनत में आया था, तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है
कि वो अपनी वोट भी बनवा लें जो 18 साल से ऊपर हो गए हैं, और नंबर दो जो है वोटर लिस्ट में अपना फ़ोटो भी करवा लें। अनुरोध करूंगा चेयरमैन साहब से कि उनके जो बड़े भाई हैं एक विशेष कैंप जो है लगवा करके उन सबके वोटर लिस्ट बनवाएं। तो मेरा भरपूर प्रयास होगा कि अपने बुजुर्गगण उन सब का आशीर्वाद लेकर के और हम इस ज़िले को जो है वास्तव में जो है प्रबुद्ध नगर और एक मतलब जो है एक आदर्श जिला स्थापित करें, लोगों में लड़ाई झगड़े जो हैं कम कराएं, इसमें अपराध को रोकें, और चूंकि अब तो आपके पास में ही सारी सुविधाएं होंगी जनपद की, तो ये मेरा देने का वायदा है, यही दिवाली के ऊपर मेरी तरफ से आपको उपहार होगा। मेरी तरफ से नगर पंचायत कस्बा बनत ज़िला प्रबुद्ध नगर वासियों को और तमाम शामली विधानसभा क्षेत्र वासियों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली जो है वो एक ऐसा पर्व है जिसमें हर घर जगमगाता है रोशनी से, पटाखों से, मिठाइयों से, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और यहाँ पर अनेक धर्मों में जो एकता देखी जाती है वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही देखने को मिलता है। इस दीपावली पर्व को हम सब ज़िलावासी, ज़िला प्रबुद्ध नगर के वासी एक साथ मिलकर मनाएं, खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाएं, कोशिश करें कि हम जो नुकसानदेह पटाखे हैं, प्रदूषण, एयर पोल्यूशन को जितना कम हो सके इतना कम करें एयर पोल्यूशन, और आपस में भाईचारे की बातें करें, आपस में एक दूसरे से जो मन के मन मुटाव हैं वो दूर हों, और हम सब लोग जैसे प्यार से एक साथ एकता के साथ रहते आए हैं हमेशा इसी तरह से रहें। वो दिवाली हो, 26 जनवरी हो, ईद हो, रक्षाबंधन हो, होली हो, सब जितने भी त्यौहार हैं सब एक साथ मिलकर मनाएं और बहुत खुशियों के साथ मनाएं। त्योहारों एवं करवा चौथ के शुभ पर्व पर राजकोट एवं बॉम्बे की सुंदर व मनमोहक आर्टिफिशियल ज्वेलरी वैष्णव आर्टिफिशियल ज्वेलरी ब्रह्मा धर्मशाला वाली दुकान निकट लाख वालों का घेर। फोन नंबर 8445051108980807135। प्रोप्राइटर मधुसूदन गौड़। ब्रेक के बाद न्यूज 7 में आपका स्वागत है। मदरलैंड पब्लिक स्कूल में दीपावली मिलन समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक रजत मुंजाल ने विद्यालय की उपलब्धियों की जानकारी दी। मदरलैंड पब्लिक स्कूल में दीपावली मिलन समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक रजत मुंजाल ने विद्यालय की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानाचार्य, शिक्षिकाओं व स्टाफ के सुंदर प्रयासों के कारण विद्यालय का शैक्षिक स्तर लगातार बढ़ रहा है और उत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत भी अन्य स्कूलों के मुकाबले अच्छा रहा है। इस अवसर पर रंगोली प्रतियोगिता के साथ आतिशबाजी का भी भरपूर आनंद लिया, जिसमें स्कूल के सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पहले चौक से ड्रॉ किया, फिर हमने कलर्स यूज किए थे, फिर हमने स्पार्कल्स और मिरर्स यूज किए थे। और कितने कलर इसमें आपने लगाए? 7 कलर्स। कितने समय में तैयार हुआ ये? 4 दो घंटे दो घंटे में। हाँ, कितने बच्चों ने? 5 स्टूडेंट्स। हमने इसमें रंगोली कलर और सूजी और स्प्रिट मिला के इसको बनाया है और ये 3 घंटे में बनी है। आई एम फीलिंग प्राउड, जब से चेतन सर आए हमारे स्कूल बहुत अच्छा हो गया। पहले इतना अच्छा फेस्टिवल नहीं होता था दीपावली को, लेकिन इस बार बहुत अच्छा हुआ, बहुत एंजॉय किया हम सब ने। पिछली बार भी अच्छा था लेकिन इस बार बेस्ट था। यहाँ की फैसिलिटीज ठीक है? बहुत एक्सीलेंट फैसिलिटी, मेरे ख्याल से शामली में इससे अच्छी फैसिलिटी किसी स्कूल में प्रोवाइड करी नहीं जा सकती। बेस्ट डिसिप्लिन, हमारे स्कूल जैसा डिसिप्लिन किसी भी स्कूल में नहीं मिल सकता। हमारे स्कूल इज द बेस्ट स्कूल। आपको ये आसपास के बच्चे कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं, सब इन्जॉय कर रहे हैं। मदरलैंड पब्लिक स्कूल शामली, और हम अपने स्कूल परिवार की ओर से सभी स्टाफ सदस्य की तरफ से और स्कूल प्रबंधक की तरफ से सभी नगरवासियों को, जो हमारा ज़िला शामली के स्थान पर प्रबुद्ध नगर बना है, बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। और आज हमने अपने विद्यालय में एक रंगोली प्रतियोगिता का कार्यक्रम किया और यहाँ पर कुछ दिया वगैरह, थाली सजाई और बच्चों को जो है एक साथ मिलकर कार्य करने की प्रेरणा मिली रंगोली के माध्यम से। और हम ये चाहते हैं कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। सभी नगरवासियों से
बार बार यही अनुरोध है कि अपने बच्चों में इस प्रकार की भावना जागृत करें और एक साथ मिलकर कार्य करने की प्रेरणा मिले उनको। न्यूज 7 में हो चला है वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा नहीं, देखते रहिए न्यूज 7। प्रदेश का HP ऑथराइज श्री महावीर बिजनेस मशीन का भव्य शोरूम, HP की हर रेंज उपलब्ध एवं कंप्यूटर हार्डवेयर व सर्विस सेंटर, नेट आइडिया सेंटर के ऑथराइज्ड जैन कंप्यूटर होम, फर्स्ट फ्लोर कैराना रोड शामली, सेल काउंटर नंबर 9412127369837071736, सर्विस के लिए संपर्क करें 9837017421। को मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, दिवाली सभी नगरवासियों के लिए मंगलमय हो। सभी जनपद वासियों एवं क्षेत्र वासियों को राणा एसोसिएट्स की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग सभी भाई इस त्यौहार को खुशी पूर्वक मनाएं और एक दूसरे को अपने साथ सम्मिलित करें। मैं मोहम्मद इंतज़ार राणा एसोसिएट्स की तरफ से बार बार आपको दीपावली की शुभकामनाएं दूंगा। सभी क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को अपना जिला प्रबुद्ध नगर बनने की हार्दिक बधाई और दिवाली की शुभकामनाएं। अम्बोज पेठा नमकीन भंडार दिल्ली रोड शामली से सभी क्षेत्रवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रोड शामली से संबंधित हूँ, पिछले 60 वर्षों से आपकी सेवा में हर वक्त तैयार रहती है यह फर्म और दिवाली के इस शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दीपावली के पर्व पर हम अपनी ओर से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल की ओर से अपने प्रदेश भर के सभी व्यापारियों को, नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएँ देते हैं और दीपावली का पर्व ये कामना करते हैं कि मंगलमय हो। अनिल कुमार गोयल, किशन जनरल स्टोर बुक सेलर, गांधी चौक शामली की ओर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। कॉलेज ऑफ गुडिबो की ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ, दिवाली सबके लिए मंगलमय हो और सभी के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहे। कि राम जन्म से दीपावली का हमारे देश में उत्साह उमंग मनाया जाता है जी, जिससे कि हम सब धर्म प्रेमी अपने एक धर्म की ज्योति जगाकर सबसे प्यार करें, प्रेम से रहें, ये संदेश देती है दीपावली। हमारे और हमारे परिवार की ओर से शिक्षा जगत में और सभी स्टूडेंट्स को और सारे समाज को शुभकामनाएं। इच्छा ये है कि शामली का नाम पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूर्ण संसार में जागृत हो, जिससे कि शामली का नाम जो प्रबुद्ध नगर रखा गया है प्रबुद्ध ही दिखाई दे और आने वाले समय में हमारा नाम रोशन हो सके, हमारे समाज का नाम रोशन हो सके और शामली की सबको शामली के मैं सभी परिवार को हमारे ओर से शुभकामनाएं। शामली नगर वासियों को दीपावली की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। मैं उनके अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि वो दीपावली वाले दिन कम से कम पटाखे छुड़ाएं और अपने बच्चों को अपने साथ रखें और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को दीपावली की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं और उनसे विश्वास करता हूँ कि उनके बाद जितने भी गरीब पीड़ित लोग आएंगे वो उनकी सहायता करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान अवश्य करेंगे और मैं सभी बसपा कार्यकर्ताओं को, उत्तर प्रदेश की बहन मायावती जी को, इस छोटे से कस्बे शामली को जिला बनाने के लिए प्रबुद्ध नगर बनाने के लिए बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं उनको इतनी हिम्मत दे कि वो देश की प्रधानमंत्री बने और जिन्होंने शामली को, एक छोटे से शामली को एक जिला बनाया वो इसको महानगर बनाए। मैं व्यापारी भाइयों को भी दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। रेमटेक के सभी फैकल्टी, सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं, साथ में शामली वासी वालों को और न्यूज़ चैनल को जो हमारे को हमेशा समर्थन देते रहे हैं, हमेशा हमें सपोर्ट करते रहे हैं, हमेशा हमारे को आगे इस तरह की प्रेरणा देते रहे हैं कि हम अपने कार्य में अच्छे से अच्छे आगे बढ़ते रहें। आप सबकी शुभकामनाओं के साथ में और सबको बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। एक क्षेत्रवासियों, ग्रामवासियों एवं जनपदवासियों को ग्राम प्रधान शिव कुमार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं
सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों को साथ लेकर दीपावली पर पटाखे जलाएं, जिससे कोई अप्रिय घटना न हो सके। आयुषी गोयल, डॉटर ऑफ अनिल गोयल, बीटेक फर्स्ट ईयर फ्रॉम रेमटेक एवं श्री केके ट्रेडिंग कंपनी की ओर से दीपावली पर्व पर सभी नगरवासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जनपद प्रबुद्ध नगर बनने के बाद अभी तक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्य का प्रारंभ यहाँ नहीं किया गया है। इसके लिए हमने 20 तारीख में एक बैठक कर प्रधानाचार्य परिषद का ये गठन किया। उसके लिए मुझे वहाँ अध्यक्ष जो निर्वाचित किया गया, हमारी उसमें योजना ये है कि आगामी परीक्षा का मूल्यांकन केंद्र, संकलन केंद्र शामली में बने, जिससे शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों, अभिभावकों, बच्चों को हमारा नज़दीक बनने के बाद जनपद लाभ प्राप्त हो, ये हमारी इसमें योजना है। पहली प्राथमिकता हमारी ये है। कॉलेज का नाम, डेजिग्नेशन नाम डी ए विंटर काली ओन। मैं प्रधानाचार्य ब्रजेश कुमार वशिष्ठ दीपावली की मैं ये शुभकामना करता हूँ सभी छात्रों, अभिभावकों और समाज के लोगों को, बहुत मंगलकारी हो। विद्यार्थियों के लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि दीपावली का शुभ पर्व उनके लिए अच्छा परिणाम लेकर आए, आगामी परीक्षा में वो अच्छे अंक प्राप्त करें, ये शुभकामना मैं व्यक्त करता हूँ। नवसर्जित जिला प्रबुद्ध नगर के नगरवासियों को दीपावली के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये त्यौहार उनके जीवन में खुशियों से भरा हो। धन्यवाद। मैं अश्विनी कुमार सैनी झिंझाना से, आप सभी नगरवासियों को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी अभिभावकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि बच्चों को साथ रहकर पटाखे छुटाएं, जिससे कोई अप्रिय घटना ना घट सके। धन्यवाद। शामली में जिला प्रबुद्ध नगर क्रिकेट प्रतियोगिता द्वारा T10 नाइट 7 दिवसीय मैच आरके इंटर कॉलेज में खेला जा रहा है। रविवार को मैच विनय क्लब व BSM क्लब की टीमों के बीच खेला गया। T10 7 दिवसीय क्रिकेट नाइट मैच में विनय क्लब व BSM क्लब की टीमों ने अपना जोहर दिखाते हुए टॉस जीतकर पहले विनय क्लब ने बल्लेबाजी करते हुए 87 रन बनाकर BSM स्कूल को 88 रन का लक्ष्य दिया। विनय क्लब ने अपना शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए जीत हासिल की और अपने बल्ले का जोहर दिखाते हुए दीपक ने मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया। काफी अच्छी बॉलिंग की, हमारा टारगेट 87 रन का था, काफी अच्छा टारगेट हमारे लिए। आशा करते हैं हम अपनी बैटिंग करके हम मैच जीतेंगे। बिल्कुल। सेल्फ आदिल खान, मैं भाई आजम भाई की तरफ से खेलने आया हूँ और हमारा मैच आज बड़ोस से है, जो कि काफी अच्छी टीम है। दोनों ही टीमें काफी अच्छी हैं और जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।